खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बार फिर से संकेत दिए हैं, छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदने पर केंद्र सरकार को हीरे और बॉक्साइड समेत छत्तीसगढ़ से जाने वाले अन्य संसाधनों की आपूर्ति भी आने वाले समय में बंद हो सकती है। मरकाम ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि केंद्र छत्तीसगढ़ से हीरे और बॉक्साइड ले सकता है, लेकिन मेहनत कश किसानों का चावल क्यों नहीं ले रहा। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ से कोयला, बॉक्साइड, हीरा, आयरन ओर से पानी, बिजली, सीमेंट सब कुछ चाहिए, मगर छत्तीसगढ़ के मेहनत कश जनता का जो चावल है नहीं चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, छत्तीसगढ़ से हीरे और बॉक्साइड ले सकता है प्रशासन, लेकिन मेहनत कश किसानों का चावल क्यों नहीं ले रहा, ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस पर जो मौजूदा हालात हैं, क्या चर्चाएं तेज हो गई हैं इसको लेकर? तरीके से धान खरीदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। 13 तारीख को प्रदर्शन स्वरूप मुख्यमंत्री सहित तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य और कार्यकर्ता और किसान हैं वो रवाना होंगे यहाँ से छत्तीसगढ़ से, और पत्र दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को पत्र सौंपेंगे। तो ये तमाम जो हालात हैं वो निकल कर सामने छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। इसी बीच ये सवाल पूछा है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कि केंद्र सरकार यहाँ से कोयला, हीरा, बॉक्साइट सब ले सकती है, लेकिन जो मेहनत कश किसान है, जो इतनी मेहनती से अन्न वो उत्पादन करते हैं, उनका जो चावल है, धान है, वो क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। एक प्रकार से कल भी उन्होंने आर्थिक नकेबंदी की बात की थी और आज भी ये कहा है और संकेत साफ तौर पर दिया है कि अगर धान खरीदी केंद्र सरकार नहीं करती तो आने वाले समय में आर्थिक नाकेबंदी यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार का करेगी। यानी साफ तौर पर ये जाहिर हो गया है कि अगर केंद्र सरकार धान खरीद नहीं करती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा आर पार की लड़ाई यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो केंद्र से करती नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।